फ्रेंड्स वेलकम टू आपके मतलब ट्यूटोरियल अपन समस्त नमस्कार चलते आज स्टार्ट करवा एसआई पे गोटे क्लास जो क्लास आम जमीक आम प्राक्ट बेच चलू जो प्राक्ट बेच में जो लेवल कंटेंट दौर आज एटलिस्ट आम यूट्यूब रे सेम कंटेंट टाक नहीं डिस्कस करवा तो तुम्हें तुमको जाना पड़ो कि कौ लेवल कंटेंट आम डिस्कस करके चलू तो तुम समस्त जानथ आम गोटे सुपर 100 बैच रोचे जोटा कि सेपरेट ऑफलाइन पर रोचे बुझिपार कि नहीं जहाँ ऑफलाइन कराऊँगी सेम कंटेंट ऑनलाइन पिला भी प्रोवाइड कर जो तुम आम बेच को जॉइन कर प्राक्टिस बेच को जॉइन कर आईडी टी एमती जिनस बिल्कुल भी कह ना कि पिला नॉइस सुना जाऊँगी कौन कि आम हाइब्रिड सेटअप अच्छी हाइब्रिड सेटअप रे पिला भी बसुँच आम भी क्लास करूँ सेम कंटेंट टाक तुमको प्रोवाइड कर बुझिपार कि नहीं तो सीटा टी माइंड बहुत पिला से सब क्वेरी थाई कि केमती साउंड सुना पिला रेकर्ड करके वीडियो पठे दौच तो किसी रेकर्डिंग नहीं सब लाइव स्ट्रीमिंग हम बुझिपार तो आज चलो क्लास टाक देखिए चलवा आज क्लास आम अलजेब्रा टाक नहीं चलवा बुझिपार कि नहीं तो आलजेब्रा तुमको गोटे क्वेश्चन देखा मिल जी भी जदि मोक टेस्ट देवाई चाहूच एसआई डेडिकेटेडली तुम प्रिपेयर होच और सीरीयस एस्पिरेंट अच्छे देखो एस्पिरेंट तो बहुत प्रकार था कि जी पूरा सीरीयस अच्छे बुझिपार कि नहीं सब क्लास बेस बेनिफिट हो जी सीरीयस ना हो तुम्हें लगुच कि थर चल एमती दौ दौ देदेवी सी यही सब भिडियो को दयाक स्कीप करब कभी से सब बेकार कमेंट फमेंट किसी दरकार जिनस ना जी सीरीयस एस्पिरेंट अच्छे सी पूरा रिलेट कर कि एग्जाम माने ओरिएंटेड कंटेंट अच्छी कि नहीं तुम सब जिन जापर जी फर्स्ट टाइम बिगिनर्स अच्छ तक टे प्रोब्लेम हो पारे कौन कि तुम्हें से सब जिनसा जानी ना बुझे तो चलो स्टार्ट करवा फास्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा पूर्व आम आज जो अलजेब्रा चैप्टर टाक करके चलवा अलजेब्रार वेटेज के थाए एग्जाम तुम एत जिन जानवा कथ अलजेब्रार 100% गोटे क्वेश्चन तुम पाइब ही पाइब गोटे क्वेश्चन गोटे मार्क तुमको अलजेब्रा दब गोटे मार्क है कि नहीं तो अलजेब्रा दुई तीन टा क्लास रे अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो सबू क्लास यूट्यूब रे भी करदेवी अलजेब्राटा बुझिपार कि नहीं कौन कि अलजेब्रा बहुत पिला प्रोब्लेम थाए तो स्टार्ट करवा पूर्वर अलजेब्रार बहुत सारा कनसेप्ट थाए बुझिपार कि नहीं आउ बहुत सारा भितर आम आज जो पर्टिकुलर गोटे पार्ट टाक नहीं चलवा सी है खाली ए प्लस बी रो होल स्क्वायर पार्ट टाक नहीं चलवा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर एटा समस्त जानते ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू केते हुए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाकी से हुए केमती ए प्लस बी रो होल स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी या ही कहुए ए प्लस बी रो होल स्क्वायर ये सबू पिला कम देव बुझिपार कि नहीं अलजेब्रा जहाँ भी एग्जाम रे आसू पूरा टेक्निक भाव में पढ़ेबी बुझिपार कि नहीं छोटो लेवल नहीं कि हाई लेवल जाए लास्ट क्वेश्चन देखो तो तुमको जाना पड़ो कि लेवल के माने भल लेवल क्वेश्चन अच्छी तो एंड जाए पूरा लगिक रु सब क्वेश्चन चेंज अच्छी ये मतलब कहगला कि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू मुझे जानीपारि ए प्लस बी जदि मु राइट हैंड साइड टाक ही सॉल्व करके चलली राइट हैंड साइड टाक ही जदि मु सॉल्व करके चलुची देन कौन देखा सही कह कि बंटन नियम तुम जानी जदि बंटन नियम फास्ट ए प्लस बी टाक ए सहित मल्टीप्लाई करी सॉरी ए को ए प्लस बी सहित मल्टीप्लाई करी बी को ए प्लस बी सहित मल्टीप्लाई करी जदि ए को ए स्क्वायर तो मल्टीप्लाई करागला ए स्क्वायर होगा ए को जदि बी सहित मल्टीप्लाई करागला तो देन ए बी आसीगला देन आसीगला के ए बी प्लस बी टाक जब ए सहित मल्टीप्लाई कराला तुम कह कि ए बी आसीगला और बी टाक बी सहित मल्टीप्लाई करागले आसीगला बी स्क्वायर तो यहाँ ही फॉर्मूला आसी जाए कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कि अधा पिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी कहा हुए किसी असुविधा नहीं तो आज आम खाली यही पार्ट टाक ही नहीं चलवा ये केते जाए जापर मुझे तुमको मैंने ये भिडियो देखा बुझिपार तो ये गोटे क्लास तुम जापर कि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर टाइम केते दूरिया जाए जापर बुझिपार कि नहीं तो यहाँ है स्टार्ट करवा जीरो क्लास आउ एटू ही स्टार्ट करवा पूरा ए प्लस बी रो होल स्क्वायर है तो चल आगू जावा जदि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर कहूँ आउ कौ कौ जिनस आसपार मुझे कि ए प्लस बी रो जब मुझ होल स्क्वायर लिखिदेली जहाँ लिखुची से सब जिनस एटलिस्ट नोट करूँ और प्रिवियस कोई भी क्वेश्चन उठाओ आ तुम कर देख तुम कर जदि क्लास टाक भलसे बुझल है तो जी बिगिनर्स अच्छे सी भी कर एक्सपर्ट लेवल तो छाड़ से कर पार्ब तुम खाली क्वेश्चन उपर ध्यान दियो ये सब स्किप कर दियो है तो जो मुझे कह कि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू मुझे लिखिपारि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जदि मुझे एक्सट्रा 2ab ये गोटे एड करदेली आ गोटे 2ab माइनस करदेली गोटे 2ab प्लस करुच्ची गोटे 2ab माइनस करुच्ची तो से रिमेन सेम रोटा थी से रही ये माइनस होगा बाकी एवं या जो मुझे आउ थे एरेंज करदे एरेंज केमती करी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ माइनस 2ab टाक नहीं गली है तो मुझे फास्ट लिखिदेली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो रहीगला के प्लस 2ab प्लस 2ab तो रहीगला 4ab तो या लिखिपारि कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बीटा को लिखा जाई परबो ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी तो ए प्लस बी रो होल स्क्वायर भी गोटे एटा फॉर्मूला तो इसो फॉर्मूला तुमको जानी थीबा कथा कि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू हला ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी ये भी गोटे फॉर्मूला ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला है तो तापर याकू जतबेले आकू नहीं जीवी याकू जतबेले आउ आकू टिके नहीं जीवी सेतबेले तुम ए फॉर्मूला आसी जीवो कि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू होतला ए माइनस बी रो होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी जदि एई पार्ट को जदि एपटे आनी पारली तो ये गला ए प्लस बी रो होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी रो होल स्क्वायर इक्वल टू आसीगला फोर ए बी ये भी गोटे इम्पोर्टाट फर्मुला ये भी गोटे इम्पोर्टाट फर्मुला बुझीपार कि नहीं जो सब यूजेस बहुत अधिका था एग्जाम रे डायरेक्ट टू डायरेक्ट तुम कर ये किसी करवा दरकार ना जमती कि क्वेश्चन एमती केमती करदेव मन कर मत एमती कहीदेला कि 23 प्लस 7 रो स्क्वायर माइनस 23 माइनस 7 रो स्क्वायर यार वैल्यू बाहर करी बताओ तुम जदि जान कि एटा ए हला एटा बी हला और ए प्लस बी रो स्क्वायर माइनस बी रो स्क्वायर दिया दिखाई तो आंसर आसवा कथा 4 × 23 × 7 तो तुम डायरेक्ट या मल्टीप्लाई करके भी आंसर बाहर कर पारिथांत बुझीपार कि नहीं एतकी ही जिनस थाए एमती नुहे कि फास्ट प्लस कली 30 कली माइनस कली है माइनस करी सेमती किसी ना डायरेक्ट तुम कर ये तो छोटो नंबर में कली एग्जामिनर टी बड़ नंबर में करे और जो ऑप्शन थाए ऑप्शन आम डायरेक्ट आंसर बाहर कर 7 × 21 आउ 4 × 4 जहाँ यूनिट प्लेस रे 4 थी से ही तुम राइट आंसर हम एमती जल्दी बाहर करा हुए कैलकुलेशन करा हुए ना बुझीगला तो ये रहा टी फॉर्मूला एवं आम आउ गोटे पैटर्न आगू जावा जोटा कि थी कौटा जदि मुझे कहूँ कि ए आउ बी उभे जदि रेसिप्रोकल टू इच अदर थे मुझे कहूँ कि ए आउ बी मन कर मुझे कि ए बी रेसिप्रोकल हम और बी रेसिप्रोकल हम ए रो जदि एमती केबे भी हला बुझीपार कि नहीं एमती जदि केबे भी हला तो तुम ये गोटे एक्सट्रा जिनस एटा जापार जमीक मुझे मन कर कहली कि ए इक्वल टू जदि एक्स है और बी इक्वल टू जदि 1/x है बुझीपार तो ए इक्वल टू एक्स है और बी इक्वल टू 1/x है तो देख ए बी रेसिप्रोकल है कि बी रेसिप्रोकल हूँ रेसिप्रोकल माने दुईटा संख्या को गुणन कले जदि आंसर 1 आसूसी तेज रेसिप्रोकल कहु जमीक मन कर मुझे कहली कि 5/7 रेसिप्रोकल तुम बाहर कर बताओ तो तुम कह केमती गोटे नंबर बताओ जोटा कि 5/7 सहित मल्टीप्लाई है आंसर तो 1 आसवा कथा तो तुम कह कि 7/5 मल्टीप्लाई कर दिए 7/7 कटि 5/5 कटि मैंने देखापी गले संख्यार ओल्टाटा को रेसिप्रोकल कहुए न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर ओल्टे देवी तो कहुए रेसिप्रोकल बुझीगला तो जदि रेसिप्रोकल है केबी तो यू ही आम आज क्लासटा स्टार्ट हम पूरा पर्टिकुलर यही जगार कि ए इक्वल टू जदि एक्स है बी इक्वल टू जदि 1/x है देन से सेम फॉर्मूला जदि मत कहता कि एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी रो होल स्क्वायर बाहर करके बताओ केते हो तो तुम कहो कि ए प्लस बी रो होल स्क्वायर फॉर्मूला जानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुए अरे हुए कि नहीं तो तुम कहो कि जदि एक्स ए रो वैल्यू एक्स है और बी रो वैल्यू 1/x है तो यार जितेबाला मुझे स्क्वायर बाहर करने चेष्टा करी तो तुम कहो कि फास्ट एक्स रो स्क्वायर प्लस बी रो स्क्वायर मुझे करदे बी रो स्क्वायर हम 1/x रो स्क्वायर है तो प्लस 2ab 2 × ए रो वैल्यू है एक्स बी रो वैल्यू है 1/x बुझीपार यू मुझे जापारि कि एक्स प्लस 1/x रो वैल्यू कि एक्स प्लस 1/x रो स्क्वायर इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आउ प्लस 2 कह कि एक्स कैनसल हो बुझीपार कि नहीं तो यू ही आकू आकू पलैवा आम आकू केमती जामती यू मुझे जदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मुझे बाहर करने चाहूँगी तो आंसर कौनटा हम एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जब बाहर करने चाहूँगी 2 एपटे प्लस अच्छी आड़े आसे माइनस हो तो ये फॉर्मूला होगा एक्स प्लस 1/x रो स्क्वायर आउ -2 एक्स स्क्वायर जमीक आम आगु भी जानी आगु भी फॉर्मूला जानी कि ना तुम देख तो ये आम आगु भी फॉर्मूला लिखीचु -2ab कि -2ab लिखाईनि -2ab बोलते लिखाईनि देख तो ये होगा तुम फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1/x रो होल स्क्वायर -2 बुझीगला तो एबे क्वेश्चन उपरे आसवा कि क्वेश्चन केमती पचरा जीव आम जो पढ़ुचु से सब क्वेश्चन केमती आसव कौ टाइप रो क्वेश्चन आसव सब पढ़ी कौन लाभ अच्छे देख ये तुमको क्वेश्चन एमती दिया जीव कि इफ एक्स प्लस 1/x इक्वल टू जदि मन कर एम है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर रो वैल्यू केते हबो एटा मते कहू तो ये मुझे कौनटा जानी आगटे देख स्लाइड तुम कह कि जदि एक्स स्क्वायर प्लस वन बै एक्स स्क्वायर मत दरकार अच्छी देन एक्स प्लस वन बै एक्स रो स्क्वायर माइनस टू हुए। एक्स प्लस वन बै एक्स रैल्यू के एक्स प्लस वन बै एक्स रैल्यू के एक्स प्लस वन बै एक्स रैल्यू है एम। तो तुम कह कि एम रो स्क्वायर माइनस टू हो एम रो स्क्वायर माइनस टू बुझिपार कि नहीं। आई जिनसटा ही नहीं कि एटा तक समस्ते जानी था प्राय जी प्रिपेयर होती समस्ते जिनसटा को जानी था कि एक्स प्लस वन बाय एक्स जदि एम है देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम टू। तो मुझे जिनसटा को ना आउ आपको नौज बुझिपार कि नहीं। यही जिनसटा को मुझे आपको नौज और क्वेश्चन मध्यम नाबा है तो तेज तुम बेटर जापर कि केमती कौन जिनस गुड़ा हो। फास्ट क्वेश्चन रू स्टार्ट करवा जोटा आज ही क्लास पिलां कराई बुझला। तो मुझे चाहे कि सेम कंटेंट तुम एटलिस्ट देख कि कौ लेवल कंटेंट तुमको दि जाऊँगी से प्रैक्टिस बेच रे। देख ये कहुच्छे कि एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू फोर है देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स फोर और एक्स एट प्लस वन बाय एक्स एट रो वैल्यू बाहर करी बता। तुम कह कि जदि एक्स प्लस वन बाय एक्स अच्छी तो यहाँ फास्ट गोटे जिनस देख कि यही दुईटा संख्या कौन रेसिप्रोकाल कि तुम कह कि हाँ रेसिप्रोकाल आउ रेसिप्रोकाल लेकिन जदि चार है और दुईटा को प्लस दे तार जस्ट खाली स्क्वायर फॉर्मेट कर देख तो जस्ट खाली स्क्वायर फॉर्मेट कराई स्क्वायर माने तुम कह कि यार स्क्वायर फोर रो स्क्वायर और माइनस टू है तुम आंसर आसीगला। माइनस टू है के 16 माइनस टू तो आंसर आसीगला 14। आंसर आसला के 14। एबे तुम कह कि यही पार्ट रू पार्ट। तो एबे आउ गोटे जिनस जान मुझे कौनटा कहूँ देख जदि केवे क्वेश्चन दिगला कि एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू जदि एम है देन एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू हम एम स्क्वायर और माइनस टू एम स्क्वायर माइनस टू यहाँ गोटे पार्ट बाहर है आउ कौटा आउ जदि क्वेश्चन के भी दिगला कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वाल टू जदि एन है देन एक्स फोर्थ प्लस वन बाय एक्स फोर्थ रो वैल्यू हम एन स्क्वायर माइनस टू से ही समान जिनस बाकी डाटा जहाँ दिया तार खाली जदि स्क्वायर हो स्क्वायर माने तुम कह कि दुई रो स्क्वायर चार होगा बाकी चार रो जो करापी जी एक्स टू दि पावर फोर्थ प्लस वन बाय एक्स टू दि पावर फोर्थ इक्वाल टू जदि मन कर जेड है तो एक्स टू दि पावर एट प्लस वन बाय एक्स टू दि पावर एट इक्वाल टू हम जेड रो स्क्वायर और माइनस दुई डाला जेड रो स्क्वायर और माइनस दुई एमती जिनस होगी चले बुझीपार कि नहीं खाली स्क्वायर माइनस दुई तुम एमती भावन कि यार स्क्वायर जदि करापी चाहिए तो सी एक्स रो पावर चार रो स्क्वायर होगा षोह और प्लस एक बाय चार रो स्क्वायर है षोह एटा नुहे एठू यही जगह को आसबनी एठू जीव यही जगह को स्क्वायर है पुणी आउ थे स्क्वायर है बुझीपार कि नहीं एमती स्क्वायर हो चलु है तुमको जी जहाँ भी देता जमती कि मन कर क्वेश्चन तुमको देदेला कि एक्स टू दि पावर 73 प्लस वन बाय एक्स टू दि पावर 73 रैल्यू मन कर वाई दिखाई तो मत कह एक्स टू दि पावर 146 प्लस वन बाय एक्स टू दि पावर 146 रैल्यू के तुम कह कि जस्ट खाली स्क्वायर होची और ये दुईटा जो रेसिप्रोकाल अच्छी फास्ट देख पार्टी रेसिप्रोकाल अच्छी और जस्ट खाली स्क्वायर होची तो आंसर कौनटा हम स्क्वायर हेल्ले माने कौनटा यार जस्ट पावरटा दुई हो माने ये दुई रे गुणन हम दुई रे गुणन कले 146 होची ये भी दुई रे गुणन कले 146 होची तो आंसर हो वाई स्क्वायर माइनस टू आंसर होते वाई स्क्वायर माइनस टू। देखो ये प्रैक्टिस बोलिकी क्विक रिविजन कराऊँ बुझला। तो चलो तो ये आम क्वेश्चन से देखा प्रथम क्वेश्चन जोड़ा था फास्ट क्वेश्चन था यहाँ है जोटी मुझे फास्ट बाहर करदेली कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू के आसगला 14 जब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर वैल्यू 14 आसला देन एक्स फोर्थ प्लस वन बाय एक्स फोर्थ वैल्यू के तुम कह कि 14 रो स्क्वायर माइनस दुई 14 रो स्क्वायर है 196 माइनस दुई तो आंसर आसला 194। तो तुम्हें मत यहाँ कमेंट करके बताइब कमेंट सेक्शन में निहाती भाव में रिप्लाई देव कि एक्स एट प्लस वन बाय एक्स एट रो वैल्यू के एक्स एट प्लस वन बाय एक्स एट रैल्यू के जस्ट स्क्वायर होमती कहगला सेमती करके जस्ट माइनस टू करब आंसर बाहरी है। तो कमेंट सेक्शन में निहाती भाव में जनइब कि मुझे जापर कथा कि तुम मैंने सीरियसली माने क्लास टाक देखुल। चलो तापर नेक्स्ट क्वेश्चन जावा लिखाई इफ एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब इक्वल टू 5 देन द वैल्यू ऑफ एक्स टू दि पावर 12 प्लस वन बाय एक्स टू दि पावर 12 इक्वल टू के तो तुम सब जान आज जेहेतु मुझे खाली स्क्वायर पैटर्न पढ़ाऊँगी तो तुम ये तो बिल्कुल भावार नहीं कि क्यूब आसो कि कौन आसो मुझे खाली स्क्वायर पैटर्न पढ़ाऊँगी तो खाली स्क्वायर टाक भाव तुम कह कि याकू जब मुझे आउ थे स्क्वायर करदेली तो ये एक्स सिक्स प्लस वन बाय एक्स सिक्स हो तो यार वैल्यू के 5 रो स्क्वायर 25 माइनस दुई तो आंसर होगा 23 25 रु दुई गले के 23 जदि मुझे कह कि यार ए पुणी आउ थे स्क्वायर करागला तो 6 गुणन दुई मान 12 प्लस वन बाय एक्स टू दि पावर 12 देखो तुमको एमती लगू थाई पारे बिगिनर्स पिला एमती लगे कि एक्स टू दि पावर सिक्स थिला बाकी जतले मु स्क्वायर करूची एले केमती 12 केमती आसुची तुमको तो लागुतो कि 36 हबा कथा 6 रो स्क्वायर बाकी स्क्वायर करे बेले यार स्क्वायर हबो आ 8 यार स्क्वायर हबो 1 रो दुनिया रो स्क्वायर जे भी हो तो 1 ही तो हबो ना आ स्क्वायर एले कोनटा हुए जदी तमे शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पढी जो तो ए दुइटा रो मल्टीप्लिकेशन हे जाय तो x टू दि पावर 6 इनटू 2 हेइबो नै कि 6 रो स्क्वायर हबो बुझि पालक नै तो सेति पई 12 आसबा स्टार्ट हला स्क्वायर माने कोन हबो मल्टीप्लिकेशन 2 हबो स्क्वायर माने कोनटा हबो मल्टीप्लिकेशन 2 हेइ चलबो बुझि पाला तो चल तुम कह कि एक्स टू दि पावर 12 देखो 6 रे 2 गुणन कले 12 होला एटी भी 12 होला और रेसिप्रोकल अछंती तो आंसर हो 23 रो स्क्वायर माइनस 2 23 रो स्क्वायर केते 529 529 रो 2 गले आंसर हेगला 527 ये तुम राइट आंसर हेगला बुझी पालो कि नै तो आंसर केतेला x टू दि पावर 12 प्लस 1 बाय x टू दि पावर 12 रो वैल्यू होला 527 चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ने जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोनटा कोहाई जे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कोहा गला कि x टू दि पावर 11 प्लस 1 बाय एक्स टू दि पावर 11 इक्वल टू रूट 11 देन द वैल्यू ऑफ ए टू दि पावर ए हवा कथा नहीं एटा एक्स हवा कथा जदि एक्स दिया आइछि तो एक्स हवा कथा एक्स टू दि पावर 44 प्लस 1 बाय एक्स टू दि पावर 44 इक्वल टू केते हबो देखो एडी जदि मते कहला कि एक्स टू दि पावर 11 1 बाय एक्स टू दि पावर 11 फास्ट तो तुमको एटा देखवा छि कि माने रेसिप्रोकल की जो दुइटा को प्लस कराइ छि तमे कहबो कि हां रेसिप्रोकल एठी भी दुइ जण रेसिप्रोकल अछंती कि तमे कहबो कि हां रेसिप्रोकल अछंती बाकी एडी स्क्वायर हे कि आ गोटे स्क्वायर होउछि एइना तो एडी कौन हम प्रथम जितेबाला मुझे स्क्वायर करेबी तो एक्स टू दि पावर 22 प्लस 1 बाय एक्स टू दि पावर 22 आसो तो यार वैल्यू के रूट 11 रो स्क्वायर और माइनस 2 रूट 11 रो स्क्वायर माइनस 2 तो आंसर आसला 11 माइनस 2 इक्वल टू है 9 के 9 तापर यार पुणी आउ थे जो स्क्वायर बनईदेवी तो एक्स टू दि पावर 44 प्लस 1 बाय एक्स टू दि पावर 44 इक्वाल टू हम 9 रो स्क्वायर माइनस 2 9 रो स्क्वायर है 81 81 रु 2 गले के 79 सरी हाँ 79 केतेला आंसर 79 तो तुमको कहो कि एक्स 4 प्लस 1 बाय एक्स 4 तो वैल्यू हम 79 केतेला 79 तुम राइट आंसर है बुझे लगे नौ रो स्क्वायर 81 2 गले 79 होगा चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख मुझे सबूर जहाँ भी जो आज स्क्वायर पढ़ाऊँ स्क्वायर केते वेराइटी रो क्वेश्चन आसी पारे मुझे जिन देखापी चेस्टा करुच्ची आ गोटे गोटे सिस्टमेटिक वे पढ़ी सार मैंने तेज आलजेब्रा डर भांगी बहुत पिला डर था आलजेब्रा 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 बुझे लगे ये सब आलजेब्रा रो क्वेश्चन आ गोटे तो पूरा डायरेक्ट आइडेंटिटी बेस जो कि फॉर्मूला बेस था तो मुझे फास्ट ये सब क्लीयर कर सारे तापर मुझे फॉर्मूला बेस करेबी यूट्यूब में पूरा आलजेब्रा करेबी एसआई पिला बुझे लगे जी भी एवं एसआई प्रिपेयर हो कि तुम गोटे बोले सीजीएल प्रिपेयर हो समस्त गोटे भिडियो ही काम करब है तो देखो ये मतलब कहुई कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1 इक्वल टू 0 ये कौटू आसीगला तुम कहो कि मत जो एक्सपोर्ट प्लस 1 बाय एक्सपोर्ट बाहर करवार अच्छी देन एक्स प्लस 1 बाय एक्स एटलिस्ट जना था कथा तेज मुझे स्क्वायर करदेवी एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर करदेवी पुणी आउ थे स्क्वायर करदे एक्सपोर्ट प्लस 1 बाय एक्सपोर्ट बाहरी ये बाहरी कि नहीं एतकी कले बाहरी बाकी मत यही जिनस बाहर करवाई कम से कम यही डाटा जना था कथा आ डाटा जना था माने यही डाटा बाहर यही डाटा जना था कथा तो क्वेश्चन रे यही सब भितर कहीं ना कहीं तो गिवेन थी कथा क्वेश्चन जहाँ भी दौर दौर बाकी मत यही फॉर्मेट रे कहीं ना कहीं आसवा कथा तेबे ही मुझे तार आंसर बाहर करी बुझ पाल कि एतकी माइंड रखीदेव तो ये कौनटा कहूँ देख एबे से एक्स प्लस 1 बाय एक्स टाक एक्स प्लस 1 बाय एक्स जदि मन कर एम है एमटा गोटे कौनटा नेचुरल नंबर कि आइडेंटिटी भी मानिपार मैं सरी आइडेंटिटी कहूँ इंटीजर्स भी मानिपार इंटीजर्स माने ये पॉजिटिव नंबर हो पारे नेगेटिव नंबर भी हो पारे किसी भी हो पारे बुझ पाल तो एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू जो एम है तो ये मुझे कौन करी एक्स जो एक्स सहित मल्टीप्लाई है देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू है एम तो यू आपको कौन बाहर कर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है एम एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू है एम एक्स तो ये मुझे लिखिपारि एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 तुम कहो कि एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू एम लिखवा जहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखवा भी सही एकाटा मैंने एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू एम टाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी लिखा जा पार और तार फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1 तो ये आम आउ गोटे जिनस जापारा कि जदि केवे भी एक्स स्क्वायर देखो जदि केवे भी आम एटा जिनसो जानी परला जदि केवे भी x देखो आम ए जिनसो जानी पारछु कि x स्क्वायर माइनस mx प्लस 1 इक्वल टू जदि केवे भी 0 दिया गला तो या को मु डायरेक्ट फॉर्मेट लिखि पारबी कि x प्लस 1 बाय x इक्वल टू हवा कथा m बुझिपार्छ एटा केमती लिखा होची क्वाड्रेटिक फॉर्म रु मु ए फॉर्म टाकू आनी पारबी सीधा सीधा ता माने एटी नेगेटिव वैल्यू m रो जदी रहिला देन एटी पॉजिटिव वैल्यू आसबो जदी एटी केबे भी एमती लिखा हिची कि x स्क्वायर प्लस mx प्लस 1 इक्वल टू 0 देन x प्लस 1 बाय x रो वैल्यू तुम सबले जानि थाओ माइनस m हबो जदि नेगेटिव रे थिले पॉजिटिव पॉजिटिव रे थिले नेगेटिव ए दुटा डाटा तुमको जणा थिबा कथा देन तमे आंसर टकु बहुत जल्दी बाहर करि पारबो जेमति कि एडी क्वेश्चन दिया आइछ ए क्वेश्चन टकु मु सॉल्व करके देखौ छी देखो ए क्वेश्चन ने सॉल्व करा पे केते जल्दी हमें सॉल्व करि पारबाबे एडी मु जदि एमति फॉर्मेट दिया आइछ ये कोटर दिया आइछ प्लस रे दिया आइछ बाकी एक्चुअल आसबा कथा हमर x² mx + 1 = जदि 0 होला देन x + 1 / x रो वैल्यू m हबा कथा तमे एटा जानि पारलो सेकंड मु कहली कि जदि x² + mx प्लस 1 इक्वल टू जदि 0 होउची देन x प्लस 1 बाय x रो वैल्यू माइनस m हबो ए दुईटा जिंस तमे जानी थिबा कथा बुझि पालो कि नै तो ये एग्जाम रे बहुत स्पीड तुमको बने देबो तुमको जे तमे कांसेप्ट तमर क्लियर होची हेले बुझिला तो एडी देखो एडी मते को फॉर्मेट दिया छि प्लस फॉर्मेट रे तो एडी मु कहि पारबी कि x² + 7x + 1 इक्वल टू जदि 0 दिया गला त माने एई फॉर्मेट रे आसुची ये तो x + 1 बाय x रो वैल्यू केते हिबो -7 हिबो केते हिबो -7 तो मु जदी x + 1 / x रो वैल्यू -7 हे गला देन x² + 1 / x² रो वैल्यू केते हबो तुम कहबो कि -7 रो स्क्वायर और -2 7 रो स्क्वायर हला 49 49 रो दि गले हला 47 47 रो स्क्वायर केते तुम एटा भी मते कमेंट सेक्शन में बतेबो कि x4 + 1 / x4 रो वैल्यू एबे केते हबो बुझि पालो कि नै x4 + 1 / x4 रो वैल्यू केते हबो तुम जल्दी मत कमेंट सेक्शन में सब जिनस बतेब है तो चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा पूर्व आम सर तो स्लाइड टे उड़ीगला आम आउ थे नहीं कि आस चलो एमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन दिया देखो सब नुआ टाइप्स क्वेश्चन देखा बाकी मुझे कौन कि सबू भितर से एक्स प्लस 1 बाय एक्स आम जोटा पढ़ी आसलू से जिनस लुचिकी अच्छे तुमको सर बाहर करवार अच्छे लिखाई ए बाय ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 2 देन ए4 प्लस 1 बाय ए4 वैल्यू केते हबो जदि तुमको क्वेश्चन ये पचरा गला कि ए4 प्लस 1 बाय ए4 इक्वल टू केते हबो बुझिपाल कि नहीं तो तुम एतकी जिनस सब जानी कथा कि एडी गिवेन दिबा कथा तो ए प्लस 1 बाय ए गिवेन दिबा कथा किंबा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर गिवेन दिबा कथा एटा जदी एई सब जिनसो गिवेन नाही तो एई टाइप रो क्वेश्चन ना बनबो नै बुझि लागिने तो एडी मते कोन को आइछि मते एई दुटा जिनसो जहाले भी दरकार कि ए प्लस 1 बाय ए किंबा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर दरकार तेबे जे कि मु ए4 प्लस 1 बाय ए4 बाहर करि पारबी आजि जो पैटर्न पढुछु जोटा कि एग्जाम रे पचरा जाय बुझिला तो ता ऊपर ही फोकस करो तो एडी कोन लिखाइछि एडी लिखाइछि ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 2 तो मुझे ये फॉर्मेट लिखी मत ये किसी देखा कि क्वाड्रेटिक फॉर्म भाया मत देखागला तो मुझे कौन कि जस्ट या रेसिप्रोकल कर दिया तो रेसिप्रोकल करदेवे ए स्क्वायर माइनस 9 ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू ये हो कि 2 बाय ए ओल्टे देली खाली आउ किसी ना है तो जदि ओल्टा करदेली तो ये ये कौ फॉर्मेट आसी जो मत बताओ ए स्क्वायर ए डिवाइड आसीगला ए माइनस 9 ए रे ए डिवाइड हेले 9 आसीगला प्लस 1 रे ए डिवाइड हेले 1 बाय ए इक्वल टू आसला के 2 बुझीगला तो देखो तो मुझे ए प्लस 1 बाय ए बाहर करी एबे 9टा जदि सेपटे नहीं गले ये माइनस 9 दिला सेपटे गले प्लस 9 तो ये गला 11 तो ए प्लस 1 बाय ए रो वैल्यू होला 11 तो ए प्लस 1 बाय ए रो वैल्यू जदि 11 होला तो ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर वैल्यू केते हो 11 स्क्वायर माइनस 2 11 स्क्वायर माइनस 2 11 स्क्वायर केते 121 माइनस 2 तो आंसर होगा 119 119 बाकी मत दरकार अच्छी ए4 प्लस 1 बाय ए4 प्लस 1 बाय ए4 वैल्यू केते हो तुमको बोगी 1190 स्क्वायर हम माइनस दुई जहाँ आसला आंसर हम बुझीपाल कि नहीं 1190 स्क्वायर माइनस दुई है तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन डाक आई देख नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सेम फॉर्मेट रो क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन दिगला ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय 7 देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर इक्वल टू के आगटा तुमको बतेली रेसिप्रोकल कर दियो या पुणी आउ गोटे फॉर्मेट रे बताऊँ केमती हम देख या मुझे करी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दियो जमती कले भी आंसर बाहर जब मुझे 7a करदेली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 7a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 होगा तो ये मुझे पार्बी कि ए स्क्वायर ये 7a कटिगला तो ए स्क्वायर तापर के आसीज माइनस 1 इक्वल टू जीरो माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जीरो बुझीपाल एतकी मत बाहरी गला तापर मुझे कौनटा कहीपरि जदि ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू जब जीरो है तो तुम्हें कहीपर कि ए स्क्वायर इक्वल टू के माइनस 1 छाड़ ये आयोटा आसीज अलग हिसाब से करूँ रुह से ओल्टे ही दिए रुह या जब मुझे ओल्टा करदेली तो ये गला ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए इक्वल टू है 7 तो आंसर आसीगला ए प्लस 1 बाय ए इक्वल टू है 7 माइनस 7 तो ए प्लस 1 बाय ए रैल्यू के जीरो ए प्लस 1 बाय ए रैल्यू के जीरो जदि ए प्लस 1 बाय ए रैल्यू जीरो देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर रैल्यू के तुम कह कि जीरो स्क्वायर माइनस 2 तो जीरो स्क्वायर है जीरो माइनस 2 आंसर आसला माइनस 2 आंसर के आसीगला माइनस 2 बुझीपाल कि नहीं जदि ए प्लस 1 बाय ए रो वैल्यू जीरो होगा ए प्लस 1 बाय ए रो वैल्यू जब जीरो होगा देन ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर वैल्यू के माइनस 2 हम क्लीयर। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आई देख नेक्स्ट क्वेश्चन दिगला कि इफ ए इक्वल टू है 3 + 2√2 देन द वैल्यू ऑफ a⁴ प्लस 1 बाय a⁴ इक्वल टू के देखो ये आउ गोटे पैटर्न क्वेश्चन रखागला बुझीपाल कि नहीं कौनटा हुए ये हुए कंजुगेटिव पेयर हवा कथा बुझीपाल कि नहीं कौन हवा कथा कंजुगेटिव पेयर हवा कथा बुझेगा कि नहीं रुह टिके देख ये ना तुम एक्सट्रा गोटे जिनस जान यहाँ कंजुगेटिव पेयर केमती क्रिएट हुए आम देखा बुझेगा तो देख ये कौन लिखाई ए इक्वल टू है 3 + 2√2 ए इक्वल टू है 3 + 2√2 जदि ए इक्वल टू 3 + 2√2 है मत मागिचे a⁴ प्लस 1 बाय a⁴ बाहर कर बताओ a⁴ प्लस 1 बाय a⁴ बाहर कर बताओ कि केते हो बुझीपाल कि नहीं तो ये तुम सब जानी था कि a प्लस 1 बाय ए आइदर गिवेन थी कथा ये जिनस तुमको गिवेन थी तेज जा तुम यू पैटर्न बाहर कर किंबा ए स्क्वायर प्लस 1 बाय ए स्क्वायर यही सब जिनस तुमको गिवेन थी कथा तेबे मु स्क्वायर फॉर्मेट रे a⁴ प्लस 1 बाय a⁴ बाहर करी पारबी तो मु देखि कि आंको भितर मु कोडा बाहर करी पारबी जदि मते एटी दिया गला कि a इक्वल टू होला 3 + 2√2 तो मु एरा को जदि 1 बाय a कर देली तो ये सब 1 बाय 3 + 2√2 आउ तमे जानि थिबा कथा कि डिनोमिनेटर रे केबे भी इरेशनल नंबर रुहे नाही आ ये गुटे इरेशनल नंबरटा ये गुटे कोन नंबरटा इरेशनल अपरिमेय संख्या तो रेशनलाइजेशन करा पई जोटा प्लस होगी माइनस भी कराई पड़ो जदि 3 + 2√2 अच्छी 3 + 2√2 अच्छी तो ये मत कराई पड़ो 3 - 2√2 तुम ये कराई पड़ो कहते 3 - 2√2 बुझीपाल कि नहीं तो उपरे रहा 1 थी उपरे के 1 जदि तले एक्सट्रा 3 - 2√2 मल्टीप्लाई है तो उपरे भी 3 - 2√2 मल्टीप्लाएटे हो बुझीपाल कि नहीं आ तले देख तले है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो तुम कह कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम मैंने 3 ² - 2√2 स्क्वायर हवा कथा तले तो यहाँ हवा कथा बुझीपाल कि नहीं आ 3 ² है 9 आउ 2√2 स्क्वायर के 2 ² 4 × 2 = 8 तुम कह कि 8 है तो डिनोमिनेटर रे तले आसीगला 1 तले आसीगला 1 बुझीपाल कि नहीं ये क्वेश्चन जाणी दिखाई कि यू फॉर्मेट रे क्वेश्चन आसे बुझीपाल कि नहीं जदि एमती केबे भी हो एटा को कंजुगेट पेयर बोली कि कहा जाए तो ये यार आंसर के आसो यार आंसर आसो 3 - 2√2 डिवाइडेड बाय 1 तले 1 रहा जा न रहा भी से एकाटा तमें देख तो ये जहाँ भी था ए रैल्यू जब 3 + 2√2 थी 1 बाय ए कला बेले सी खाली नेगेटिव फॉर्मेट रे आसीगला अलग किसी हो तो या कहा जाए कंजुगेट पेयर बोली कि कहा जाए तमें कौनटा जमती कि बहुत थोड़ा बंद हो जाऊँ देखो या कहुए कंजुगेट पेयर केमती थाए मुझे बताऊँ शुण जमीक मन कर मुझेदेली कि ये लिखाई 3 + 2√2 यहाँ लिखाई जदि मुझे कहे कि 3 + 2√2 आसूची है तो देन यहाँ जदि एक्स रैल्यू है और मुझे कहे कि 1/x रैल्यू के तो तुम्हें कह कि खाली नेगेटिव फॉर्मेट लिखिदेवार अच्छी आउ किसी करवार ना किंबा जदि पॉजिटिव फॉर्मेट थी कि एक्स इक्वाल टू है जदि 3 - 2√2 हो देन तुम्हें कहीपर कि 1/x रैल्यू डायरेक्ट हम 3 + 2√2 एक ही कहबार अच्छे आउ किसी कहबार ना यहाँ केमती जानवा तुम्हें कह कि या स्क्वायर डिफरेंस कर या स्क्वायर डिफरेंस कर जदि स्क्वायर डिफरेंस 1 आसबो जदि स्क्वायर डिफरेंस 1 आसूची देन ताकू खाली साइन टा चेंज करी 1/x लिखिपार बुझीपार कि नहीं और तुम जहाँ भी एप्रोचेस टाइम थी से बहुत कमिज ये मत दिखाई जदि ए है 3 + 2√2 देन मु 1/a रैल्यू के जापारि 3 - 2√2 एतकी तो जापारि देन मुझे कहीपरि जदि a + 1/a के a + 1/a के देखो ये आम कौन कौन जिनस जानला ये जिनस आम जापारा जदि ये कहगला कि a = है 3 + 2√2 और ये बाहर करी कि 1/a = है 3 - 2√2 जदि मत a + 1/a दरकार अच्छी प्लस करदेवी तो तुम कह कि दुटा कटिगला 3 - 3 मिसिकला 6 तो a + 1/a रैल्यू है 6 a + 1/a रैल्यू है 6 जदि a + 1/a रैल्यू 6 अच्छी तो तुम कह कि a² + 1/a² रैल्यू के 36 स्क्वायर 36 सरी 6 स्क्वायर है 36 36 रु 2 गले के 34 बुझीपार कि नहीं 34 स्क्वायर 1156 1156 और -2 तो आंसर आसला 1154 ये तुम रईट आंसर हो बुझीपार कि नहीं यार पुणी स्क्वायर -2 है तो चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन जावा पुणी आउ थे टी इंपोर्ट कराई पड़ो आज एमती कौन प्रोब्लेम हो जा चलो ये क्वेश्चन एवं करवा ये क्वेश्चन कौन कह देख लिखाला इफ a = 4√3 + 7 देन a² + 1/a² इक्वाल टू के जदि a = है 4√3 + 7 और मत दरकार अच्छी a² + 1/a² तो तुम कह कि 1/a भी तो थिबा कथा गोटे 1/a भी तो गोटे थिबा कथा तो 1/a करवा पूर्व आम यहाँ देखू कि कंजुगेट पेयर मैंने हो पारे ना ना 4 स्क्वायर है 16 और 16 √3 स्क्वायर है 3 16 3 के ये 48 7 स्क्वायर के 49 48 और 49 डिफरेंस कौन एक अच्छी कि अच्छी तमें मैंने कंजुगेट पेयर हो पारे से जिनसटा को कन्वर्ट करवा पूर्व तुम जब ये भादब कि 4√3 - 7 लिखिदेवी तो ये भूल हो बुझीपार कि नहीं 4√3 - 7 लिखिदेवी तो भूल होटी कौन करवाई पड़ो जोटा आगु अच्छी भर बड़टा किए देखार अच्छी बड़टा हूँ 7 तो 7 + 4√3 यही फॉर्मेट लिखबार अच्छे फास्ट बड़ संख्या को लिखबार अच्छे तो 1/a रैल्यू हो 7 - 4√3 1/a रैल्यू हम 7 - 4√3 बुझीगला तो जदि एबे यही दुईटा को प्लस करेबी कि a + 1/a रैल्यू के देन तुम्हें कहीपर कि √3 4√3 कैनसल है 7 7 मिसिकी 14 7 7 मिसिकी 14 तो a + 1/a रैल्यू जदि है a + 1/a रैल्यू जदि 14 है देन a² + 1/a² वैल्यू के 14 स्क्वायर -2 तो आसला 196 - 2 आंसर आसीगला 194 ये तुम रईट आंसर है बुझेगा तो चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जावा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देख ये मतलब जदि दिहला कि a = है √5 + 2 डिवाइडेड बाय √5 - 2 देन द वैल्यू ऑफ a4 + 1/a4 इक्वाल टू के देखो ये क्वेश्चन आम जल्दी जल्दी कर पार्बा जदि मत ये केवे भी कहला तुम फास्ट तो क्वेश्चन टाक फोकस कर कि क्वेश्चन में मागिजी कंटा क्वेश्चन मागुच a4 + 1/a4 जदि a4 + 1/a4 कहुचे देन तुम्हें एतकी जिनस माइंड तो चलवा कथा कि मत a + 1/a देवा कथा कि a² + 1/a² देवा कथा किसी तो किसी देवा कथा क्वेश्चन जदि ना तो मुझे बाहर करी कौ जगार भी तो बाहर करी देख मत जदि a कहला a रैल्यू है √5 + 2 / √5 - 2 रोल अंडर रूट यहाँ है बुझे कि ना तो मुझे कौन कि ये मुझे a² करदेली खाली तो ये अंडर रूटा हटि जाकि सी हम √5 + 2 / √5 - 2 हो a² करदेवी बुझिपार कि ना आज जब मुझे कौन कि a² भैल्यू यहाँ है देन या रेशनलाइजेसन करने स्टार्ट करी तो तले अच्छी √5 - 2 और √5 + 2 आ गए मल्टीप्लाई करदेवी उपरे ऑलरेडी थी √5 + 2 एक्सट्रा जदि √5 + 2 तले मल्टीप्लाई करागला तो उपरे भी √5 + 2 मल्टीप्लाई करा जीवो बुझिपार कि ना तो ये कौटा हो गला देख तो a + b × a - b माने a² - b² माने √5 + 2 5 2 / 4 तो तुम माइनस कर बोले तले तो आसीगला 1 उपरे हम के √5 + 2 / 4 + 4 √5 प्लस के 4 √5 बुझिपाल ना नहीं तो a² भैल्यू होगा 9 + 4 √5 तो मुझे जदि कहूँ a² भैल्यू होगा 9 + 4 √5 तो या देख कि कंजुगेट पेयर हो पार कि कंजुगेट पेयर हो पार कि 4 / 2 के 4 / 2 16 √5 / 2 5 16 × 5 = 80 9 / 2 81 81 ରୁ 80 भितर डिफरेन्स के 1 तो कंजुगेट पेयर हो पारे आ सबुठ बड़ नंबरटा फास्ट रहा कथा एमती 81 और 80 भितर 81टा बड़ तुम कह कि प्रथम 9 रहा कथा है तो यहाँ को जो मुझे 1/2 करने चेष्टा करी देख यू मुझे जापारि कि a² भैल्यू है 9 + 4 √5 तो 1/a² भैल्यू हो 9 - 4 √5 और दुईटा को जो मुझे प्लस करदेली 4 √5 - 4 √5 कैंसिल तो a² + 1/a² भैल्यू है 9 - 9 मिसिकी 18 जदि a² + 1/a² जना पड़ा a4 + 1/a4 बाहर करें किसी असुविधा नहीं ये जदि 18 है तो 18 स्क्वायर - 2 18 स्क्वायर है 324 - 2 तो आंसर आसला 322 324 361 400 ठीक अच्छे है तो आंसर के 322 चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ये भी आ गोटे प्रकार क्वेश्चन बुझीपाल तो जोटी लिखाई कौन देख लिखाला इफ 3a + 1/5 इक्वाल टू जो 6 है देन फाइंड 9a² + 1/25a² इक्वाल टू केते हबो एडी जदि एमती केबे भी क्वेश्चन दिया गला कि 3a + 1/5 इक्वाल टू जो 6 है ठीक अच्छे फास्ट तुम्हें देख कि ये एता रेसिप्रोकल की तुम्हें कहो कि नुहे जदि नुहे तो ये आपको केमती चले देख जिनसा बुझे दूसरी दुई साइड तुम स्क्वायर कर दियो दुई साइड तुमको स्क्वायर करवार अच्छे कौन कि मतलब क्वेश्चन जो दिया है यार स्क्वायर मागिची और नेक्स्ट यार भी स्क्वायर कहुई तो स्क्वायर ही तो हो जदि स्क्वायर करदेली 3a² है 9a² प्लस ये आसो 1/25 a² + b² + 2 × a × b होगा कथा 2 × a × b होगा कथा इक्वाल टू है 6 / 2 36 6 / 2 के 36 तो तुम कहो कि a कैंसिल होगा तो ये रहा के तुम कहो कि 9a² + 1/25a² + 6/5 इक्वल टू वाला 36 तो ये 6/5 यार प्लस यार सैड गले माइनस हो 6/5 आंसर हो 36 × 5 = 180 -6/5 तो आंसर आसो 174 / 5 एतकी तुम रईट आंसर होगा कि मिक्स पर्सन बन पार जहाँ इच्छा बन पार बाकी ये गोटे जिनस आम यहाँ नोटिस कला कि जदि केवे भी क्वेश्चन रे ax + 1/(bx) इक्वल टू जदि n दिया गला देन a² x² + 1/b² x² वैल्यू के तुम कहो कि n² - 2 × a/b हम ये जिनसा मन रखा कथा बुझिपार कि नहीं तेज तुम आंसर बहुत जल्दी बाहर कर पार्ब एमती क्वेश्चन टाक आउ थे कर दूसरी सब बिना स्किप करके मैंने सब स्किप कर दिए और डायरेक्ट मुझे आंसर बाहर करुँचे देख बाहर ये मतलब करवार कौनटा अच्छी जदि केवे भी एमती दिया गला कि यार जदि मुझे डायरेक्ट स्क्वायर हो जापी तो हवा कथा के छर स्क्वायर माइनस दुई गुणन जोटा ये ए सहित गुणन होटा दले जोटा अच्छे बस एतकी कले आंसर बाहर तो छर स्क्वायर है 36 माइनस 6 बाय 5 तो आंसर आसला 180 माइनस 6 बाय 5 तो ये आसीगला के 174 डिवाइडेड बाय 5 सरला आंसर बुझीपार कि नहीं एतकी ही। चलो तब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौनटा कहुई नेक्स्ट क्वेश्चन कहगला देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहुई इफ 7x प्लस 1/6 इज इक्वल टू 4 देन 49x² प्लस 36x² इक्वल टू के 1/36 तो तुम्हें फास्ट जानवर अच्छे कि यही तार जस्ट खाली स्क्वायर है 7 स्क्वायर 49 6 स्क्वायर 36 बाकी यही दुईटा रेसिप्रोकाल कि 7/x रेसिप्रोकाल 1/7/x होगा कथा बाकी 1/6/x अच्छे तो ये सब क्वेश्चन को केमती हैंडल करावे जदि थरे ही स्क्वायर कराऊँच तो 4 स्क्वायर माइनस 2 × 7/6 तो ये कटिगला 3 हो गला 4 स्क्वायर है 16 × 3 माइनस 7/3 16×3 = 48 7 गले 41/3 ये तुम राइट आंसर ये ही तुम आंसर थी बुझीपाल कि नहीं। चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहुई देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहगला से देख आम खाली स्क्वायर चलुचे से भी प्लस वाला स्क्वायर एवं जो माइनस जाइन मैंने ए माइनस बी रो होल स्क्वायर मुझ करनी एबे जाए जहाँ भी फॉर्मेट चलुची सबू खाली ए प्लस बी रो होल स्क्वायर से गोटेटर केते वेराइटर क्वेश्चन बनुची ये मतलब कहगला कि 2x प्लस 1/4x इक्वल टू जदि 1 हला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1 बाय मत कहुई x² प्लस 1/64x² तो तुम ये जिनसा देखिकी जापा कथ माइंड एतकी जिनस आसवा कथा कि तो x प्लस 1/8x रु ही कन्वर्ट हम यू ही यहाँ हम कब कि यही तार स्क्वायर कले x रो स्क्वायर हम 8x रो स्क्वायर कले 64x² हम हम कि नहीं तो ये केमती पाइबा यू तो यू मत ना यहाँ कन्वर्ट करवार अच्छे ये जो गिवेन डाटा अच्छी ये डाटा को मत एमती कन्वर्ट करार अच्छी जहाँ भी कन्वर्ट करेबी तो मत ये दिखाई 2x प्लस 1/4x इक्वल टू जदि 1 है मत दरकार अच्छी x x के जिते डिवाइड 2 हम से x हम आउ ये डिवाइड 2 है मैंने ये तले 2 हो गला तो 2 एटी भी डिवाइड हो गला तो ये देख हो कि नहीं तुम कह कि हो 2 कटिगला तो ये x प्लस 1/8x इक्वल टू है 1/2 ये 1/2 तो जस्ट यार जो स्क्वायर हो ये रेसिप्रोकाल नुहंती तो आंसर कौन हम 1/2 स्क्वायर माइनस 2 × x सहित के 1 और तले के 8 तो 2 काटिदेवी 4 तो 1/4 माइनस 1/4 आंसर आसवा कथा 0 ये सब ऑप्शन गुड़ाक स्किप करो ये ऑप्शन नहीं थे बुझीपाल कि नहीं आंसर के देव 0 तुम राइट आंसर हो आंसर के देव 0 तुम राइट आंसर हो। चलो तब आम नेक्स्ट क्वेश्चन जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौनटा कहुई देख नेक्स्ट क्वेश्चन कहगला कि x प्लस 1/x इक्वल टू जदि √5 है देन फाइंड x⁴ प्लस 1 डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस 7 x⁴ प्लस x² इक्वल टू के सही सामान जहाँ आम पढ़ी आसुपर ही ये सब क्वेश्चन बेस्ड अच्छे किसी अलग ना ये मतलब कौन क्वेश्चन दिगला कि x प्लस 1/x इक्वल टू जदि √5 है तुम जानी कथा जदि मुझे x प्लस 1/x जानी देन x² प्लस 1/x² ये सब सहजरे बाहर करी तो ये होते √5 स्क्वायर 5 2 गले गला 3 तापर मुझे आउ थे बाहर करी कि x⁴ प्लस 1/x⁴ तो ये होते 3 स्क्वायर है 9 2 गले 7 पुणी बाहर करी x8 प्लस 1/x8 ये सब मुझे जिनस बाहर करी 7 स्क्वायर है 49 2 गले 47 यही सब जिनस बाहर करी बाकी क्वेश्चन दिखाई x8 प्लस 1 एमती केमती दिगला तो तुम्हें निजे भाव मुझे यही जिनसटा को यही डाटाटा को यही जिनस कन्वर्ट करती तो हो पारता कि जदि x8 प्लस 1 अच्छी न्यूमेरेटर को लेकिन कम कर डिनोमिनेटर तो ऑटोमेटिक सजेई हो न्यूमेरेटर को लेकिन कम कर x8 प्लस 1 टाक मुझे x² प्लस 1/x² करी कि तुम कह कि हाँ करी बाकी जब मुझे x⁴ डिवाइड कली हेले जाकि x² हम ये जब x⁴ डिवाइड कली तो ये मोर नुआ फॉर्मेट केमती देखा x² प्लस 1/x⁴ देखा यहाँ राइट फॉर्मेट कि तुम कह कि नुहे तमें एमती तो हवा कथा ना तो ये कौनटा डिवाइड करी एवं डिवाइड करी x⁴ डिवाइड करके देखे कौनटा हो डिवाइड कले देखागला कि ये आसीगला x⁴ प्लस 1/x⁴ तमें ये x⁴ डिवाइड हो पार उपरे भी x⁴ डिवाइड करी पूरा टोटाल आउ तले भी x⁴ टोटाल डिवाइड करदेवी एवं देखे आंसर बाहरी बुझीपाल कि नहीं उपरे जदि x⁴ डिवाइड है तो उपरोटा गला एक्स टू दि पावर फोर प्लस वन बै एक्स टू दि पावर फोर होल डिवाइडेड बै जदि एक्स टू दि पावर फोरटा एक्स टू दि पावर सिक्स सहित डिवाइड है तो तुमको हम कि एक्स स्क्वायर आसीज एक्स टू दि पावर फोरटा सेवेन एक्स फोर्थ डिवाइड है तो बाउली जब खाली सेवेन एक्स टू दि पावर फोरटा जदि एक्स स्क्वायर सहित डिवाइड है तो तुम तले रही वन बै एक्स स्क्वायर तले रही एक्स स्क्वायर। तो देख ये आम यही जिनस तो जापारी एक्स फोर प्लस वन बै एक्स फोर वैल्यू के आसला सेवेन है एक्स स्क्वायर प्लस वन बै एक्स स्क्वायर वैल्यू के एक्स स्क्वायर प्लस वन बै एक्स स्क्वायर वैल्यू के तीन और तले सात तो आंसर होगा सेवेन बै टेन आंसर होगा के सेवेन बै टेन बुझीगला। तो यही सबू ही क्वेश्चन आम प्राक्ट बेच रे बहुत मात्रा करा तो तुम जब चाहूच प्राक्ट बेच जॉइन करने तो जॉइन हो पार बाकी मुझे कंटेंट यही लेवल थी और जब तुम एटलिस्ट तुम जाणी सार कि कौ कौ फैकल्टी पढ़ाऊँ किए पढ़ाऊँ कहारी कथा शुणी आम पढ़ी आसना बुझीपार कि नहीं तुम निजे गोटे जदि एसआई आस्पिरेंट तुम निजे तुम एवं गोटे जॉब करब एसआई जॉब तो एतकी तो निजे डिसीजन नहीं पार्था कथा कि मुझे प्लाटफर्म पढ़ले भल हम कि प्लाटफर्म पढ़ले खराब हम आसीगलापर ब्लेम कर ना तुम्हें आस फास्ट ये सब जिन देखिकी आस बुझीपार कि नहीं कि आम कंटेंट किए किए पढ़ाऊँ केमती लेवल अच्छी आसिकी तापर जॉइन हो बुझीपार कि नहीं। तो एतक ही आम वीडियो थिला नेक्स्ट क्लास रे अलजेब्रा रो आउ गोटे पार्ट रे आमे भेट होबा नेक्स्ट वीडियो रे। जय हिंद।